हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? दुआ करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू महेंद्र ब्लॉग। सबसे पहले जय श्री राम। और भाई लोग, अभी अभी देखो तुम्हारा भाई नई कटिंग करा के और सब कुछ साफ सुफ करा के कैसा लग रहा है बता देना भाई। और अपनी बाइक में हमने इंस्टॉल कर दिए हैं हैजार्ड फ्लैशर बोलते हो हैडा हैजार्ड फ्लैशर। और भाई तुमसे एक बात भी करनी थी भाई, आजकल व्यूज़ बहुत कम आ रहे, तुम लोग देख ही रहे होंगे, पर 100 भी नहीं हो पा रहे भाई पार, जबकि सब्सक्राइबर तुम लोग बोलेंगे 1800 नहीं हो पा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लोग सब्सक्राइब करके छोड़ देते हैं। चलो वो तो ठीक है, तुमने सब्सक्राइब भी किया वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत वीडियो तो देख लो यार, आजकल वीडियोस व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, चैनल मोनोटाइज भी करवाना है, काफ़ी टेंशन भरी भाई, टेंशन हो जाता है भाई कभी कभी। तो चलो कोई नहीं, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने से खुपड़ी ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए छोड़ो। तो अभी अपनी टोके दिखाते हैं भाई तुम्हें, ये देखो ये रही नीचे भाई, इसमें चारों इंडिकेटर लग रखा है, इतनी प्यारी लग रही है ना, मज़ा आ गया भाई सच में। तो अब देखते हैं अभी के क्या सीन है, मम्मी अंदर है और मेरे को भाई आज डुगड़ी को लास्ट बार लेके जाना है, आज लास्ट बार लेके जाऊंगा, उसके बाद देखते हैं उसके बाद क्या, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, वरना दोबारा लेके जाऊंगा। मम्मी अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम बता क्या करा रहे हैं भाई, ये काम देख रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी टाइल लगा रहे हैं, तो क्योंकि टाइल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि भाई वो पुराना है ना क्वार्टर, तो इसलिए थोड़ा टाइल लगवा दिए हम, फिर वहाँ पर हमें काम करने में आसानी होगी। तो चलो मिलते हैं, ऐसी ब्लॉग में बने रहो और ऐसी अपना सपोर्ट दे। गाइस अभी अभी आप घर पे थे और यहाँ देखो भाई कौन आया है, भाई आप फॉलो करवा दे अपने मेरे इतने कम फॉलोअर भाई, मैंने पहले बोला था ठीक है ब्लॉग में, तो भाई ये बनाता नहीं है, कंटिन्यूस नहीं रहता। हाँ यार अभी थोड़ा पैर भाई, अभी भी देख लो भाई, जो पैर ये अभी हुआ था ना, एक साल कुछ महीने हो गए हैं भाई, सोचो एक साल कुछ महीने भाई का पैर अभी भी पता नहीं क्या हो रहा है। चलो भाई दुआ करना भाई जल्दी ठीक हो जाए, मैं इस बार पक्का लिंक और सब्सक्राइब करवा दो, वही बोल तो रहा हूँ। सो गाइस लिंक लगा दूंगा और यहाँ पे नीचे पे लिखा हुआ आ रहा होगा, पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, वो लिंक कॉपी उस लिंक को क्लिक करके पक्का भाई को सब्सक्राइब कर देना भाई, रील अच्छी बना भाई, आजकल शॉर्ट्स भयंकर है भाई, नजर लगा दोगे तेरे भाई, ओए मेरी किसी ने ऐसी नजर लगाई शॉर्ट से आ रहे, मैं क्या डाल रहा हूँ आजकल। सो गाइस अब मैं शॉर्ट डालना शुरू करता हूँ, किसी की नजर लगी थी अब वो ठीक हो चुकी है, मैं कभी कभी डालता हूँ, रोज नहीं डालता है, कोई नहीं कभी कभी डालता भाई, लेकिन अच्छा डालता है, गोप्रो है भाई के पास, तब बताएंगे 09। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, आज भाई इधर ही है तो मिलते हैं, इधर नहीं है भाई, भाई सरकारी है। हाँ फाइनली इसका पूरा काम हो चुका है ठीक है, आज इसका लास्ट दिन था और आज अंकल ने इंजेक्शन लगाया, ड्रिप ड्रिप कुछ नहीं चढ़ी। और अगर किसी का कभी जानवर कभी पेट बहुत बीमार होता है, चाहे कुछ भी हो, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो ना, फिर वो इधर आ सकते हैं यहाँ पे चंद्रमणी में। सो गाइज आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एग्जॉर का हेलमेट भाई कैसे धुलना है, अगर किसी पे एग्जॉर का हेलमेट है और उसका भाई गंदा हो गया, क्योंकि हो जाता है भाई पसीना में बहुत होता है, इसीलिए मैं अंदर से बालक लवाज पहनता हूँ। तो अभी दिखाता हूँ मैं कैसे निकालना है इसको, देखो ही मैं दिखाता हूँ, देखो पहले ये ना मैंने पूरा हेलमेट अपना खाली कर दिया है, इसके अंदर पैडिंग होती है ना, तो भाई ये देखो ये टीच बटन वाली पैडिंग होती है इसमें, जैसे कि ये इसकी पैडिंग निकाल दी मैंने, ये देखो ये पैडिंग निकाल दी, ये भी निकाल दी, दिखाना भाई एक बार कपिल भाई, और ये देखो ये भी निकाल दी। तो भाई ये इसकी ऊपर ऊपर की पैडिंग है ठीक है, पहले इसको हम लोग अभी धोते हैं, पहले इसको धुलना, ज़्यादा नहीं इससे ब्रश तो भाई लगाना ही नहीं है, पानी में वो डालना है, सर्फ डालना है या सॉफ्ट, वो सॉफ्ट ही क्या होता है, क्या है सर्फ, सर्फ सर्फ डालना है बस, हल्का ऐसे हल्का हल्का करके बस हो जाएगा, फिर इसमें अलग से हल्का ब्रश मार के, वैसे इसमें गीला कपड़ा मरेगा भाई अगर मैं बता दूँ तो, क्योंकि अगर तुम इसमें पानी पूनी डालेगे तो मेरे को तो नहीं लगता है सक्सेसफुल हो जाएगा, पानी डाल के फॉर्म ख़राब ही हो जाएगा फिर। हाँ भाई इसे डालना मत इसमें। तो चलो शुरू करते हैं, मैं तो आज अपना हेलमेट धुलता हूँ भाई, फिर मिलते हैं आपको। सो गाइज ये हो चुका है ना पूरा, तो दिखाता हूँ, दिखाओ ये देखो ये पूरा। तो अब दिखाता हूँ इसमें क्या करना है, इसको ज़्यादा नहीं, पहले एक बाल्टी में हम पानी डालेंगे, फिर उसमें सर्फ डालेंगे ठीक है, आ जाओ करते हैं, बाल्टी नहीं चलते, बाल्टी में पानी है गाइज, इसके सारे पीस उठा देंगे और मैं बताऊंगा मैंने कौन सा डिटर्जेंट या इजी यूज़ किया। तो भाई मैं बता दूं, अगर सबसे पहले तो इसको हम इधर डालेंगे, और मैंने बताया क्या यूज़ किया इसमें भाई, ये यूज़ किया मैंने इजी ठीक है, ये देखो इजी ठीक रहेगा, ये ऐसे चीज़ों के लिए ठीक रहेगा, तो इसको इसमें ऐसे डुबा देना है थोड़ी देर, पहले इनको रहने देना है ठीक है, जब तक ये अच्छे से नहीं हो जाते हैं, पहले इनको डुबा दो, अब इन्हें रहने दो थोड़ी देर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट रहने दो इसको ठीक है, रहने दो। तो गाइस अभी मैं बाहर बैठ गया था क्योंकि भाई क्या बोलते हैं, अंदर तो भाई लाइट आ नहीं रही, तो मैंने सोचा बाहर बना के वीडियो बनाता हूँ, और तुम लोग सोच रहे होंगे मैं इसका क्या करूँगा, तो भाई इसको भी धुलेंगे, तो इसको पता कैसे निकालते हैं, यहाँ से नीचे करते हैं इसको और यहाँ से ऊपर खोल के,
तो गाइस एक साइड से निकल गया, ठीक है, थोड़ा जान लगानी पड़ रही थी, मैंने सोचा जान नहीं लगानी क्योंकि टूटने का डर था मुझे थोड़ा। सो गाइस वाइजर निकल चुका है, ठीक है, और ये देख सकते हो भाई, ये हेलमेट अब ऐसा हो गया पूरा नंगा, ठीक है। तो अभी इसको कपड़े से साफ़ करेंगे, अच्छे से बढ़िया से करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और इसका और इसमें ये भी है, इसको भी पहले साफ़ करना है। तो एक बढ़िया सा पतला सा कपड़ा लाएंगे पहले जो कि सूट कर सके। सो गाइज मुझे कुछ नहीं मिला, तो मेरी एक टी शर्ट थी, मैंने वही ला दी क्योंकि कॉटन जैसी बहुत स्मूथ है, मतलब बहुत प्यारी है, मैंने सोचा इसी से करता हूँ, ठीक है। तो करते हैं भाई इसका ग्लास साफ। सो गाइज अभी अभी जस्ट मैं बाहर आया था और हमारा कुत्ता नीचे गिर गया, अच्छा हमारा पोछेगा वो नीचे गिर गया नीचे, और अभी इसको दही खिलाई, बताया इसने इसका क्या रिएक्ट था। सही में इसने ना भाई एक हफ्ते से मान लो कुछ नहीं खाया, क्योंकि जो दवाई चल रही थी ना दवाई से, मतलब ऐसा दवाई इफेक्ट था जो पेट खुद ही भर देता था, ग्लूकोज भी लग रहे थे। तो भाई इसने अभी इसको हमने दही दी, क्योंकि डॉक्टर ने बोलता है इसको दही पार्ले जी और मट्ठा और अंडे के बाहर वाले वाइट वो देने बस। भाई इसको दही दी, बताओ इसने जैसे क्या, पहले तो बहुत खाया खाया, जैसे ही पैकेट था साइड में पड़ा हुआ, इसने पैकेट ले लिया मुंह में। अब हम पैकेट के हटाने के लिए गए और भाई अगला भाई ए, वे, वे। कभी कभी खाने के लिए दौड़ रहा, जो इलाज करवा रहा हो, वही तो जो मैं इतना करवा रहा हूँ ना, मुझे भी काटने आ रहा था वो पेट। हाँ मेरे बेटे को खाएगा, मेरे डुगू को खाएगा। तो अभी देखो अब थोड़ा ठीक हो चुका है, अभी वो खेल रहा है, तो ऐसा हो गया था। तो होता ही यार, अब काफ़ी दिन बाद कुछ खा रहा है तो यार उसको भूख लगी होगी। तो बाकी यहाँ एक तुम्हें एक जीप दिखाऊं, जीप वहाँ देखो, देख लो भाई सपने देखे बड़े बड़े। सो गाइस अभी मैं बाहर जा रहा था और ये देखो ये मैंने पैडिंग सुखा रखी है इधर, तो तुम लोग सोच रहे होंगे मैं इन्हें कब लगाऊंगा, तो मैंने आके लगाऊंगा क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ ग्राउंड में, थोड़ा अपना फिजिकल खेलने खुलने जा रहा हूँ भाई सीधा। तो चलते हैं यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं भाई कैसे बनता है आज का। और मैंने लगा तो दिया वैसे, अभी लगाऊंगा थोड़ी देर में, उसका गिलास भी निकाल रखा है मैंने, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, गिलास भी लगा देंगे, दिखाएंगे आपको गिलास कैसे लगाते हैं, ठीक है। सो गाइज अभी मैं खेल के वापस जा रहा हूँ, सामने काम चल रहा है देख सकते हो, और अभी मैं जा रहा हूँ खेल के वापस। ओए वो ट्रैक्टर ऊपर हो गया, ओ भाई गाइज अभी मम्मी घर आते ही पूजा कर रही है, देखो जैसे मैं घर आया और यहाँ देख लो, और वो हेलमेट की पैडिंग में लगानी है यार, पहले मैं हेलमेट की पैडिंग ही लगा लेता हूँ, क्यों जल्दी जल्दी, पहले तो अभी मुझे बाहर जाना थोड़ा, अपने डॉगी के लिए खाना पीना लाने, तो देखते हैं। हाँ चलें बाहर, चलें चलें बाहर, आपको भी ले चलते हैं अपने साथ, क्यों जी। सो गाइस एक दिक्कत हो गई यार, मैंने सोचा आज मैं तुम्हारा हेलमेट का व्लॉग डालूंगा कि हेलमेट में कैसे धुलते हैं यार, भाई यार दिक्कत हो चुकी है यहाँ देखो, ही इसमें पता क्या हुआ, जो इसकी पैडिंग थी ना भाई वो अभी तक सूखी नहीं है भाई, अब मैं क्या करूँ, क्योंकि आज ज़्यादा मैंने बहुत लेट धुला था ना, तो इसकी पैडिंग ही नहीं सूखी भाई अभी तक, और जो इसका ग्लास है मैं अभी लगा दूंगा उसको थोड़ी देर में, और अभी मुझे जाना भी है, अभी बताऊंगा दूंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं और क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ से निकलते हैं ना भाई पहले, फिर मिलता भाई आपको। तो गाइस फाइनली यहाँ देखो सिट्टू के पास आ गया, भाई तू दिन में आया था तो मैंने सोचा मैं भी आ जाऊँ भाई, ठीक है यार मैंने ठीक है भाई भाई, लेकिन बादल ऐसा और खाना डर लग रही थी बेटा आने में। तो गाइस चलो अंदर चलते हैं, आंटी लोगों के पास आ गए हम आज, क्योंकि सर्विस ने बोला था दिन में, तो यार वो मैंने धुल रखा था रे मैंने,
इसलिए। चलो गाइज अंदर चलते हैं, वो सूखा ही नहीं आ रहा आज हेलमेट। सो गाइज अभी अभी देखो भाई भाई नंगा क्यों बैठ रखा है तेरे इंतजार भाई, टी शर्ट टी शर्ट पहन ले कर भाई। सो गाइज अभी भाई घर आया, और तुम्हें पता क्यों, तुम लोग सोचे हो क्यों आया अबे हटना भाई। सो गाइज कल संडे था इसलिए मैं इधर आ गया, क्योंकि कल संडे आराम से घर जाऊंगा, फिर मैंने सोचा यार थोड़ा अपना भी टाइम मिल जाएगा मुझे इसलिए। हेलो एरिया देख इसको। हाँ भाई किसका मन आ रहा भाई। सो गाइज अभी जस्ट खाना खाया, और भाई सोचो रात के 11 बजे खाना हो रहा है। अगले भाई को बोला मैंने खाना दे भाई, देख लो कैसे व्यवहार कर रहा है मेरे साथ भाई। क्यों है बोल तो ले कुछ है भाई, देखो पूरा डाइट प्लान सब। तो अभी तो भाई जस्ट रेस्ट कर रहे हैं भाई, पेट बहुत फुल हो गया है, फिर मिलते हैं भाई आपको।